नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपडेटर सर्विसेज आईपीओ के बारे में। आज हम इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे और अपना डिसीजन बनाएंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, अगर आप आईपीओ से रिलेटेड अपडेट्स रियल टाइम चाहते हो और रेगुलरली चाहते हो तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आईपीओ रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं अबाउट कंपनी की। अब ये जो अपडेटर सर्विसेज आईपीओ है ना, बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1990 में और ये ऑफर करती है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। बेसिकली ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, वन इज फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड सेकेंड इज बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। अब जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है ना, उसमें कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग सर्विसेज, वॉशरूम एंड फेमिनिन हाइजीन, वेयर हाउस मैनेजमेंट और जनरल स्टाफिंग। और वहीं अगर बात करें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में, तो वहां पर कंपनी ऑफर करती है एम्प्लॉई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक सर्विस और साथ में एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज और इसके अलावा भी काफी सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये तो हुआ कंपनी का बिजनेस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ऑफ द आईपीओ। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव ऑफ द आईपीओ। नंबर वन, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ये इस बिजनेस में लास्ट 30 ईयर से काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी इनकी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। नंबर टू, इनका रिलेशन कुछ कस्टमर्स के साथ काफी अच्छा है। अगर मैं बात करूं कंपनीज लाइक हुंडई, सेंट एंड गोबेन और साथ में अगर बात करूं पीएनजी, इन तीनों ही कंपनीज के साथ कंपनी लास्ट 10 ईयर से काम कर रही है, तो इनके साथ इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा है। नंबर थर्ड, इनकी प्रेजेंस पैन इंडिया अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। नंबर फोर्थ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक, यहां पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिकॉज ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आज के टाइम में हर कंपनी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सभी को ये सर्विसेज चाहिए, तो यहां पर भी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव्स ऑफ द आईपीओ। नंबर वन, हाई एट्रिशन रेट, इस कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं बात करूं करंट एट्रिशन रेट की, तो इस कंपनी का एट्रिशन रेट है 77%, जिसका मतलब लगातार बहुत सारे एम्प्लॉयज यहां पर आते तो हैं बट बहुत जल्दी यहां से छोड़ जाते हैं, मतलब इस कंपनी को बाय बाय कर देते हैं। तो एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है और ये इनके लिए काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। नंबर टू, लास्ट 3 इयर्स से इनका कैश फ्लो नेगेटिव है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं मेरे व्यू की, तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशंस की। अगर बात करें इसके पी रेशियो की, तो अभी आईपीओ का पी रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 44.31 का, और अगर बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, 9.34% की इनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वहीं अगर हम इनका पीयर कंपैरिजन करें ना, तो यहां पर पी निकल के आता है, इनके तीन पीयर्स आ रहे हैं। पहला कंपनी है क्विस कॉर्प लिमिटेड, इनका पी निकल के आ रहा है 28 का। उसके बाद आ जाती है कंपनी एसआईएस लिमिटेड, जिसका पी निकल के आ जाता है 19.74। उसके बाद थर्ड कंपनी आ जाती है टीम लीज सर्विसेज प्रोवाइडेड, जिसका पी रेशियो निकल के आता है 40.96। और यहीं अगर हम बात करें जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, यानी अपडेटर सर्विसेज, यहां पर इसका पी निकल के आता है 44.31। तो अगर पी के अकॉर्डिंग देखें, तो ये कंपनी काफी ज्यादा वैल्यूएशन पर ये आ रही है। आईपीओ सस्ता नहीं है, ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि आईपीओ जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, जिस पी रेशियो पे आ रहा है, ये थोड़ा सा महंगा आईपीओ है। तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं या अवॉइड कर रहा हूं, अगर बात करें इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। वहां पर अभी तक रेट अवेलेबल ही नहीं है, यानी कोई जीएमपी रेट आ ही नहीं रहा, और वहां पर भी रिस्पॉन्स इस आईपीओ का ठंडा ही है, तो जीएमपी इसका अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं मेरे व्यू की, क्या मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं, तो गाइस मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, बिकॉज क्योंकि ये आईपीओ महंगा है, दूसरा लिस्टिंग गेन के चांसेस मुझे यहां पर ज्यादा नजर नहीं आ रहे, डिमांड बहुत कम है, इसी डिसीजन के लिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। ना ही मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। आप लोग अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट करके जरूर बताना। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया कंपनी है, ग्रोथ के भी बहुत चांसेस है, बट हां आईपीओ थोड़ा सा महंगा है, तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। आप लोग अप्लाई कर रहे हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा व्यू प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपने एडवाइजर से बिना एडवाइस लिए कोई भी आईपीओ में मत लगाना।
आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर जरूर विजिट करिए फॉर मोर अमेजिंग स्टफ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।